नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सहश्री के अंदर। और आज हम बात करेंगे करंज ऑयल के बारे में। और करंज ऑयल एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट ऑयल है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हमें फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप मिस ना करें और हमें फॉलो करते रहें, हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंज का तेल बेसिकली है क्या? करंज का तेल और उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट नीम तेल से मिलती जुलती हैं, यानी कि नीम ऑयल से मिलती जुलती हैं। यानी कि जो एप्लीकेशंस नीम के हैं, जिन जिन केसेस के अंदर नीम का यूज़ किया जाता है, उसके बहुत सारे केसेस के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट 80% केसेस के अंदर हम करंज के तेल को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने हमारा नीम तेल का वीडियो देखा? नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर जाके हमारे आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको नीम ऑयल के बारे में वीडियो मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखें। तो अब जानते हैं करंज ऑयल के बारे में। तो करंज के अंदर एक सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि किसी तरह का सूजन, किसी के तरह का घाव जिसके कारण इंटरनल सूजन होती है, या फिर ऐसा कोई पेन या फिर ऐसा कोई दर्द जो मस्कुलर हो, तो उस केसेस के अंदर यदि किसी प्रकार का भी सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस पर हम करंज का तेल यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, नीम ऑयल पे रिजल्ट्स थोड़े से स्लो होंगे, लेकिन क्योंकि करंज ऑयल के अंदर सर्टन फैटी एसिड्स हैं जो उस सूजन को या फिर उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में ज़्यादा मददगार होंगे, ठीक है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है करंज ऑयल का, जो आपको नीम ऑयल में इफेक्टिवली कम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरा बेनिफिट होता है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल ऑफकोर्स नीम की तरह एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल है, यानी कि किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन के ऊपर ईचिंग सेंसेशन या ऐसी कोई समस्या हो, तो करंज का तेल आपके स्किन टॉप के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे कि जब नीम ऑयल के बारे में हम ऑलरेडी इतना जानते हैं, तो हम करंज ऑयल क्यों यूज़ करें? देखिए, कभी कभी सूटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि कई लोगों को नीम की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो शायद डाइजेस्ट ना हो, शायद उनके कारण उनको नौजिया फील हो या फिर उनको वोमिटिंग सेंसेशन हो, तो ऐसे केसेस के अंदर हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि यदि आप नीम के स्मेल को नहीं झेल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप ऑल्टरनेटिवली करंज का तेल यूज़ कर सकते हैं। इसका बढ़िया सूदिंग सा, सॉफ्ट सा, नटी स्मेल होता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, बेनिफिट्स ऑलमोस्ट नीम के जैसे ही होंगे। तो यस, करंज इज़ एन ऑल्टरनेटिव, आप कह सकते हैं कि करंज जो है ऑल्टरनेटिव है नीम का। तीसरा, इरिटेशन। देखिए, इरिटेशन यानी किसी तरह की सूजन के ऊपर दर्द हो रहा हो, या कोई ईचिंग हो, ऐसी कोई समस्या हो, या कुछ रेडनेस हो, रेड स्पॉट्स हो, या कुछ ऐसा छोटा सा एलर्जिक स्किन टॉप एलर्जी हो, तो ऐसे केसेस के अंदर जो इरिटेशन जनरेट होता है, उस केस के अंदर भी आप करंज ऑयल को यूज़ कर सकते हैं और आपको उसमें गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा हम्बल होता है स्किन के ऊपर, इसलिए सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी आप इसको सॉफ्टली और जेंटली यूज़ कर सकते हैं। नीम कभी कभी स्ट्रांग पड़ जाता है इन मामलों में, तो इसलिए यदि आपको लगता है कि नीम आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप करंज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि नीम ऑयल कैसे यूज़ करना है, किन किन केसेस में यूज़ होता है, इसके लिए हमारा पुराना वीडियो है और ऊपर आई बटन है, इसको आप प्रेस करके आप वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, और वो है यूवी डैमेज। स्किन के ऊपर यदि कोई यूवी डैमेज हो रहा है, यानी किसी प्रकार की स्पॉटिंग, किसी प्रकार का डार्कनेस या फिर स्पॉट्स, निशान, इस तरह की कोई समस्या आ रही है, या स्किन टैन बढ़ रहा है, तो भी आप जो है करंज का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि करंज ऑयल के अंदर यूवी से होने वाले नुकसान को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी है, ठीक है। आपके स्किन को एडिशनली वो शील्ड भी करता है, यानी यदि आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, आपका एक्सपोजर, आपका स्किन टॉप एक्सपोजर धूप से ज़्यादा रहता है, यानी कि आप धूप में काफ़ी काम करते हैं, 12-13 घंटे 18 घंटे यदि आपका धूप में काम है, तो आप मान के चलिए कि आपको एक प्रोटेक्शन या फिर शील्डिंग की ज़रूरत है, और वो सिर्फ आपको करंज का तेल दे सकता है। तो कैसे यूज़ करें? देखिए, रात को आप फुल बॉडी मसाज कीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, इतना ही लीजिए कि आपके स्किन में वो अब्जॉर्ब हो जाए और स्किन पे अच्छे से एक लेयर फॉर्म हो जाए। तो जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे और सुबह जब आप उसको वॉश करके जाएंगे, तो आपके स्किन के लेवल्स पे, यानी कि सेलुलर लेवल पे, स्किन के पीछे काफ़ी लेवल्स तक करंज का प्रेजेंस होगा, यानी कि धूप का कोई भी इफेक्ट यदि आपकी स्किन पर आना है या किसी बॉडी पे आना है, बॉडी पार्ट पे आना है, तो वो उसको रोक देगा और उसको डिफेंड कर देगा। इस तरह से आपकी बॉडी के ऊपर एक यूवी प्रोटेक्ट शील्ड फिल्म बन जाएगी। लेकिन याद रहे, अच्छी क्वालिटी का करंज ऑयल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशंस वेरी होते हैं अलग अलग ग्रेड के ऑयल्स के साथ। तो सबसे सेफेस्ट और सबसे बढ़िया ऑप्शन है हमारा करंज का तेल।
सहश्री का करेज का तेल, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर जाके खरीद सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कैल्प को प्रोटेक्ट करना, यानी कि स्कैल्प की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना। ये स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बालों की प्री मैच्योर एजिंग, यानी कि पहले से ज़्यादा उम्र से काफ़ी जल्दी, काफ़ी पहले यदि आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प की क्वालिटी गिर रही है, डिटोरेट हो रही है, ठीक है। उसके केसेस में भी आप इस करंज का यूज़ कर सकते हैं, करंज ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, और आपको गारंटीड उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं अपन, आइए। आपको पता है दोस्तों, आपके स्कैल्प के ऊपर एक हाइड्रोलिपिड करके केमिकल होता है, एक लेयर होता है जो प्रोटेक्शन देता है आपके बालों के रूट्स को। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि हाइड्रोलिपिड यदि आपके स्किन पर है, यानी आपके स्कैल्प पर है, तो आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी है, आपके स्किन के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, यानी कि बाहरी बाहरी चीज़ों का। लेकिन यदि आ रहा है, यदि आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है, यदि आपके बालों में प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है, यानी कि समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं बाल आपके, या फिर ग्रे हो रहे हैं, तो मानिए कि कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन शील्ड ख़त्म हो रही है। उस शील्ड को मेंटेन करने के लिए आपको करंज का तेल लगेगा और आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा एक स्कैल्प बैरियर वो बना देता है जिससे आपके रूट्स को प्रोटेक्शन मिलता है नेचुरली, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि धूप या फिर पोल्यूशन, इन कारण, इन चीज़ों के कारण आपके स्कैल्प पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि हेयर फॉल या फिर प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स की, या फिर इसी तरह की कोई भी समस्या, या फिर इरिटेशन, ईचिंग, डैंड्रफ, इस तरह की कोई भी समस्या यदि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आ रही है, तो आई गारंटी यू कि करंज का तेल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और उसको आप रेगुलरली लगाइए। आई गारंटी यू आपका हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक रोक देगा, लेकिन मेक श्योर दैट आप उसको कंसिस्टेंटली लगाएं, क्योंकि कंसिस्टेंटली लगाने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये नेचुरल प्रोसेस है या फिर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू हुआ है। तो पहले लगा के देखिए, रिजल्ट्स चेक कीजिए, आपको लगता है कि यदि ये नेचुरल प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये कोई एजिंग का प्रॉब्लम है, तो देन वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस। उसके लिए हम दूसरे वीडियोस पे हमें फॉलो करते रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, आप अपनी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जहाँ तक करंज की बात है, आपके स्कैल्प को 100% प्रोटेक्ट करता है ये, इसे कंसिस्टेंटली यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एक चीज़ और समझते आइए, एक्जिमा के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे करंज के, यानी कि यदि आपके स्किन पर एक्जिमा की शुरुआत हो रही है तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आपके शरीर पर एक्जिमा का प्रेजेंस है तो उसको ट्रीट करने में समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे आपको। तो यूज़ कैसे करना है, देखिए, करंज का तेल आपको यूज़ करना है करीब 3 to 5 ड्रॉप्स मिक्स विद कोकोनट ऑयल, और उन एरियाज पे लगाइए, ठीक है। मिक्स ज़रूर अच्छे से कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही डीपर लेवल पर कोकोनट ऑयल और करंज ऑयल का मिक्स होना ज़रूरी है। तो अराउंड 3.5 ml यदि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उतना ही करंज ऑयल यूज़ करेंगे, और इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप उसको उन एरियाज पे लगाएंगे जहाँ पे एक्जिमा है, ठीक है। एक्जिमा इज़ बेसिकली ड्राइंग ऑफ सेल्स, ठीक है, ब्रेकेज ऑफ सेल्स, तो कहीं ना कहीं नरिशमेंट नहीं है इसलिए वो हो रहा है, दूसरा इन्फेक्शन है इसलिए वो हो रहा है। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट तब होता है जब आपके स्किन पर कंसिस्टेंटली इन्फेक्शन का पेनिट्रेशन हो रहा है, प्लस स्किन टाइप ड्राई भी है, ठीक है। इसलिए आप कोकोनट ऑयल, जो आपकी स्किन को डीपर लेवल पर मॉइस्चराइज करेगा, हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल का वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको यूज़ करना है, और साथ ही में उसके साथ करंज ऑयल मिक्स कीजिए। जब आप उसको बराबर मिक्स करेंगे इक्वल क्वांटिटीज में दोनों को, और फिर जिन जिन एरियाज पे एक्जिमा का इफेक्ट है उस पर आप इसको कंसिस्टेंटली लगाइए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ईचिंग कम होगी, काफ़ी सूदिंग रहेगा, काफ़ी रिलैक्स्ड फील होगा आपको एक्जिमा के केसेस के अंदर। को पता है कोकोनट ऑयल को यदि आप करंज के साथ इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके एक और चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं, और वो है पाइल्स, चाहे वो ब्लीडिंग वाले पाइल्स हो या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, दोनों ही केसेस में स्टूल पास करने के बाद, आपका डाइजेशन क्लियर होने के बाद आप उसको यूज़ कीजिए, और कंसिस्टेंटली लगे रहिए काफ़ी समय तक, जितने समय तक आप उसको लगाए रख सकते हैं लगाए रखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, करंज ऑयल और कोकोनट ऑयल को इक्वल क्वांटिटी मिक्स कीजिए, और उस लीजन पे लगाइए, उस गांठ पे लगाइए जहाँ पे आपको पाइल्स में फील हो रहा है, और आप उसको रिजल्ट्स देख सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आप ओवर टाइम देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, यानी कि रेगुलरली लगाना है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, जब आप करंज का तेल यूज़ करते हैं तो एक और अच्छा वाइड एप्लीकेशन है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन बेसिकली आयुर्वेद के हिसाब से वात के बढ़ने के कारण होता है,
यानी कि यदि हम किसी प्रकार से उन स्थानों पर जहाँ पे हमें जॉइंट पेन हो रहा है, यदि हम उन स्थानों पे वात की इशू को अगर हम रिजॉल्व कर सकें तो हम जॉइंट पेन पे बहुत अच्छा रिलीफ ले सकते हैं। और वो आएगा आपको जब आप करंज का तेल, सिंपल करंज का तेल बिना किसी चीज़ के साथ मिक्स किए आप उसको जॉइंट्स पे लगाते हैं, तो आपके जॉइंट्स के अंदर वात बैलेंस होगा और आपको जॉइंट पेन में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। ये कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। दूसरा, इसको रिलीव होने में टाइम लगेगा क्योंकि आपके स्किन के डीपर लेवल्स तक करंज का प्रेजेंस आ जाना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन लगाइए ज़रूर और कंसिस्टेंटली लगाइए, ओवर टाइम आपको आराम पड़ने लगेगा, आई गारंटी दिस। इसी चीज़ को थोड़ा सा और पावरफुल कर सकते हैं। देखिए, आप नेचुरली यूं ही लगा सकते हैं करंज का तेल, लेकिन यदि करंज के तेल को आप तिल के तेल के साथ मिक्स करते हैं और खास करके काले तिल के साथ मिक्स करते हैं तो आपको ज़्यादा एम्प्लीफाइड रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि आपका पेन काफ़ी हद तक रिलीव होने लगा है। तो ये आप ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर रिप्लाई बैक कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कितना आराम पड़ा। तो आपने देखा दोस्तों करंज ऑयल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना यूज़फुल है और कैसे आप किन किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से, आपके ध्यान से जाए नहीं। और आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोज़ के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स का बेनिफिट मिले और आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने जानने को मिले। तो हमें फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर फॉलोइंग सहश्री।